जो मलक रिजवान है ना वो चोर निकला, तो मलक रिजवान ने कौन सी चोरी की है? मलक रिजवान है उसको वाले साहब ने वो उसको देख लो। मैंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज दिखाने, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आपको बताते चलो कि मेरे ना गांव में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल ठीक ठाक रहना दोस्तों। मैं आज सुनने वाला देता दोस्तों अनिल भाई YouTube चैनल देता मुंडा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सब व्यूअर खैरियत होंगे। आज का मजेदार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो जो भाई भी देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की हमारी बहुत ही मजेदार वीडियो आने वाली, थोड़ी सी भी वीडियो मिस से नहीं करनी। मैं आज आपको बताता चलो जो मलक रिजवान है ना वो चोर निकला, तो आज आपको मैं बताऊंगा कि मलक रिजवान ने कौन सी चोरी की। मलक रिजवान है उसको वाले साहब ने उसको चोर बोला। मैं आज आपको बताऊंगा कि सच में ही मलक रिजवान चोर निकला है या नहीं, आज आपको मैं बताऊंगा। बस आपने आज की वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो आज फिलहाल मैं भी स्कूल से वापस आऊँ, ये देख लो मेरी तरफ बैग पड़ा, जुम्मा भी है तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी जाना है। तो सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो गया, तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी जाना। किधर मैंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज दिखानी, तो आपने बस वीडियो मिस नहीं करनी, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो आज की हमारी बहुत ही मजेदार वीडियो होगी। एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैंने आज आपको एक बतानी है। एक तो मैंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है, उधर मैंने आपको एक चीज दिखानी है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा जो मलक रिजवान वो सच में ही चोर है या नहीं, इस वीडियो में आज तीनों काम करेंगे। तो बस आपने वीडियो मिस नहीं करनी। तो आज जुम्मा है तो पहले चलते हैं नहाते हैं और फ्रेश फ्रूश होकर, तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी जाना है तो पहले चलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो पहले चलते हैं नहाते हैं, तो फिलहाल अभी स्कूल से वापस पहले चल के नहाता हूँ और बाद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाता हूँ। और बाद में आपको बताता हूँ कि मैं समझता था ना बस वेला मुंडा ही ना धोखेबाज, लेकिन मलक रिजवान भी धोखेबाज निकला। बस आपने वीडियो मिस नहीं करनी, आज आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि सच में ही मलक रिजवान चोर है या नहीं, और उसको जो वाले साहब ने क्यों चोर बोला वो भी आपको मैं बताऊंगा। बस आपने वीडियो मिस नहीं करनी, पहले चलते हैं नहाते हैं। तो फिलहाल अब मैंने नहा लिया, रेडी हो गया हूँ। तो पहले मम्मा ने बोला कि आके खाना खा लो, पहले चल के खाना खाता हूँ, बाद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं। आपने आज के वीडियो के साथ जुड़े ही रहना, आपने बस वीडियो मिस नहीं करनी, पहले चलते हैं खाना खाते हैं और बाद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं। तो फिलहाल अब मैंने खाना खा लिया, अब जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तो चलते हैं अब जुम्मा पढ़ने के लिए। तो कुछ भाई सोच रहे हैं जब आप स्कूल गए तो आपने कपड़े भी वही पहने होते, लेकिन आप जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो फिर भी आपने वही कपड़े पहने। मैं सुबह सवेरे कपड़े ये पहन के गया, मेरा दिल था उधर ही जुम्मा पढ़ लूं, लेकिन स्कूल से ना जल्दी आ छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं घर आ गया। मैंने सोचा चलते हैं पहले घर नहाते फ्रेश होकर तो बाद में जुम्मा पढ़ने के लिए, इसलिए मैं वही कपड़े पहन के जा रहा हूँ और जुम्मा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना, तो आज आपको मैं बताऊंगा मलक रिजवान सच में ही चोर है या नहीं, और मलक रिजवान के जो वाले साहब थे उसने सच में ही मलक रिजवान को चोर बोला है या नहीं, आज आपको मैं बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। तो बस आपने वीडियो मिस नहीं करनी। तो किधर जुम्मा मैंने पढ़ने जाना है ना, मैंने आपको उधर एक और भी चीज दिखानी, बस आपने वीडियो मिस नहीं करनी। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला, बस आपने वीडियो मिस नहीं करते। पहले चलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, बाद में ये सारे काम करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ा हुआ है, तकरीबन आधा घंटा पड़ा हुआ, सफर भी बहुत ज्यादा है जो मैंने करके जाना है, लेकिन टाइम बहुत कम पड़ा हुआ। तो अब रास्ते में मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको मैं आगे चलते मिलता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ा, इसलिए चलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए। दोस्तों आपने वीडियो मिस नहीं करनी, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जुम्मा किधर पढ़ने जाना, ये देख लो वो जो आपको सामने वाली मस्जिद नजर आ रही है उधर मैंने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना है, ये वो देख लो। आपने कमेंट्स में बताना है क्या सफर ज्यादा है, यानी आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। वैसे आपको मैं थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ, ये चेक करो यार कितनी प्यारी है, आपको ना घास और गंदम नजर आ रही है, ये देखो ये सारी, ये देखो तो पहले जल्दी जल्दी चलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। तो फिलहाल अभी इधर मैं पहुंचा किधर मैं जुम्मा पढ़ता हूँ और आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ।
फिलहाल अब हमने जुम्मा पढ़ लिया, अब घर जा रहे हैं। हनीफ भाई आपने जुम्मा पढ़ा है? ये पढ़ा है हनीफ। और मैंने एक ही मस्जिद में जुम्मा पढ़ा है ना हनीफ भाई, एक मस्जिद में जुम्मा पढ़ा है जी। और सुनाओ? और अल्लाह का करम है, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वैसे ठीक है? ठीक ठाक ही है। अच्छा आज कॉलेज गए थे जी? गए थे। छुट्टी कितने बजे हुई है? 12:30 बजे। 12:30 बजे तो हनीफ और मैंने मदरसे में जुम्मा पढ़ा। और जो मैंने आपको छोटा सा पीछे सीन दिखाया है ना, वो आपने दोस्तों कमेंट्स में बताना क्या वो मदरसा अच्छा बांध रहा है या नहीं। जब वो फुल तैयार हो जाएगा ना मदरसा तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो अभी तक बांध रहा है तो मैंने आपको दिखाया। तो फिलहाल अब मैं घर जा रहा हूँ, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या मदरसा अच्छा बांध रहा है या नहीं। तो दोस्तों फिलहाल अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, तो मैं अभी रास्ते में थोड़ा सा ही सफर रह गया, तो मैंने सोचा क्यों ना कि अपने दोस्तों को अब बताता हूं कि जो मलिक रिजवान है वो चोर कैसे बना जाए, उसके वाले साहब ने उसको चोर क्यों बुलाया। मैंने आपको वो मदरसा दिखाया, पहले मैंने आपको बताया है कि आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या मदरसा अच्छा बन रहा है या नहीं। जब मदरसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसा बना है, तो आपने कमेंट्स में बताना कि वो अच्छा बन रहा है या नहीं, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मलिक रिजवान है ना उसको वाले साहब ने क्यों चोर बोला। तो रात को ना मैं मलिक रिजवान की वीडियो देखी, मलिक रिजवान के वाले साहब ने एक मोटरसाइकिल बेचा, तो उन्होंने जब मोटरसाइकिल बेचा मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने लगे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। मलिक रिजवान के वाले साहब थे, उन्होंने मलिक रिजवान को बोला कि इसका पेट्रोल किधर गया। मलिक रिजवान ने बोला मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता पेट्रोल किधर गया। तो जो मलिक रिजवान के वाले साहब थे उसने बोला मलिक रिजवान को आपने ही पेट्रोल निकालना था, और उसने फिर बोला मलिक रिजवान को आप चोर हो। तो यार काम चेक करो। मलिक रिजवान के वाले साहब मलिक रिजवान को बोला कि आप चोरियां करते हो, आप अपनी वीडियो में ना बनाओ, ये वाली वीडियो यूट्यूब पे ना अपलोड करना। तो उसने उसके कहने के बावजूद भी उसने अपनी वीडियो अपलोड कर दी। और मलिक रिजवान की जो वीडियो मैंने रात को थी उसके थंबनेल पे लिखा था कि अब्बू ने मुझे चोर बनाया। ये बात बिल्कुल सच है कि आप चोर ही निकलो, आपने पेट्रोल निकाला मोटरसाइकिल से, और बाद में आपने वाले साहब को आपने बोला कि मैंने पेट्रोल नहीं निकाला। तो आप बिल्कुल भाई मलिक रिजवान चोर ही हो, इसमें कोई गलत बात नहीं, आपने थंबनेल पे ठीक ही लिखा। लेकिन मैं तो समझता था ना बस मैं वेला मुंडा ही ना धोखेबाज है, लेकिन मलिक रिजवान भी धोखेबाज और चोर है। तो आपने कमेंट्स में बताना क्या मैंने बात ठीक की है या नहीं, आपने कमेंट्स में जरूर बताना। जो मलिक रिजवान की वीडियो थी ना जिसमें उसने अपने पापा के मोटरसाइकिल पेट्रोल निकाला, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वो वीडियो जरूर चाल के देखनी, और बाद में मेरी वीडियो में कमेंट्स करना क्या मैंने ठीक बोला या नहीं, आपने कमेंट्स जरूर करना। वीडियो जो भाई देख रहे हैं ये वाली वीडियो इतनी शेयर करो, वेला मुंडा और मलिक रिजवान तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि चोरी भी ना करें और गरीबों के पैसे भी ना खाएं। आप दोस्तों ये बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करनी है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन सी खुशखबरी, जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में ही बोला था कि मैंने आपको एक खुशखबरी देनी, तो अब मैं आपको वो बताता हूँ। उसको बताने से पहले आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। आपने दोस्तों ये काम जरूर करना। तो मैं दोस्तों आपको बताता चलो कि मेरे ना गाँव में सांग लगना है, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों को पहले बता दूं कि मेरे शहर में सांग है। तो आपने मेरी वीडियो का इंतजार करना, इंशाल्लाह मैं अपनी कल वीडियो अपलोड करूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे शहर में सांग कैसे कैसे लगता है। तो आप सब दोस्तों ने मेरी उस वीडियो का इंतजार रखना, इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो कल वही अपलोड करूंगा जो मेरे शहर में सांग लगना। आज भी सांग था लेकिन वो मेरे गांव से थोड़ा सा दूर था, मेरे गांव में कहा सांग, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो बना के अपलोड करूंगा। बस आपने मेरी वीडियो का वेट करना है, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वीडियो होगी, बस आपने थोड़ा सा वेट करना। दोस्तों आज की वीडियो का जहाँ पे करते हैं, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इंशाल्लाह वाला नए वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।